दोस्तों ऑफिशियली ओप्पो A9 2020 के सारी स्पेसिफिकेशंस कंफर्म हो चुकी है। जैसा कि इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर जो कि मीडियाटेक के हेलियो P70 से काफी पावरफुल है। इसके साथ ही 5000 मिली एम्पावर की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो क्या है दोस्तों इसी ओप्पो A9 2020 की ऑफिशियल प्राइसिंग, इंडिया में स्मार्टफोन कब तक लॉन्च किया जाएगा, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक फिनिश के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है जो कि क्वाड रियर कैमरा के साथ आएगा। इसके साथ ही फ्रंट में 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन स्क्रीन देखने को मिलेगा जिसमें कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ ही एक सेल्फी कैमरा भी इसमें दिया गया है। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि हेलियो के मीडियाटेक P70 से काफी पावरफुल माना जाता है। इसके साथ अगर रैम और स्टोरेज की बात करें, तो एक ही रैम वेरिएंट और स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आएगा जो कि होगा 8GB एंड 128GB, जिसके स्टोरेज को आप 256GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा के ऊपर, तो रियर साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है जिसका प्राइमरी रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल का होगा। इसके साथ ही आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर बात कर इसके सेल्फी कैमरा की, तो एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करें ये बैटरी की, तो एक 5000 मिली एम्पावर की बिग बैटरी इसमें देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही इसमें एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट आएगा जो कि बेस होगा कलर ओएस 6.0 पर। साथ में 3.5mm का ऑडियो जैक भी इस बार ओप्पो अपने फोन में दे रही है। बात कर लेते हैं ऑफिशियल प्राइसिंग की, तो 23,000 से 24,000 ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है जो कि 10 सितंबर को ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों देखा जाए तो 23 से 24,000 के रेंज में आपको एक अच्छा 665 का प्रोसेसर, साथ में 32 मेगापिक्सल का कैमरा और इसके साथ क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन क्या बजट स्मार्टफोन है या नहीं, हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।